या सांसद, उसने बोला है कि कंपनी में जब हम चुनाव की मीटिंग हम शुरू करते हैं, साथ में बरसात भी आ जाती है, और ये जो बरसात, ये जो बारिश आती है, ये बारिश भगवान की आशीर्वाद बन के आती है, और ये बारिश ऐसे आती है जितने भारी बारिश आती है उसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुमत मिलती है, हमको ज्यादा से ज्यादा वोट हमको मिलती है, क्योंकि कमल खिलने के लिए हमको पानी चाहिए, कमल खिलने के लिए हमको पानी चाहिए। भगवान ने आज हमारे मुख्यमंत्री जी के आगमन से पहले यहाँ बारिश भेजा है, यानी कि आज पूरे कपिली में, पूरे आमरंग में भारतीय जनता पार्टी का जो जय जयकार हो रहा है, मैं तो आज 7 दिन हो गया यहाँ आया हुआ, 20-20 में मैं आता हूँ, आप लोगों के बैठ के 20 में जाता हूँ, आप लोगों का मन की बात को भी मैं समझने की कोशिश करता हूँ, आमरंग में हो, कपिली में हो, हर बूथ में, आज पहाड़ में हो या हमारा यहाँ मैदान में हो, हमारी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है, आज डॉक्टर हिमांशु शर्मा जी के साथ है, और आज भारतीय जनता पार्टी को इस शक्तिशाली एक अवस्था में लाने के लिए आप लोग जो मेहनत किया है, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता लोग जो मेहनत किया है, इसीलिए मैं पहले ही आपको धन्यवाद कर चुका हूं, और अभी भी मैं ये उम्मीद रखती हूं कि आज ये भारतीय जनता पार्टी, आज पूरे ये दो हमारे चुनावी क्षेत्र है, पिछले चुनाव में भी आप लोगों ने रीना तरंपी को, पवन कुमार को बहुत वोटों से जिताया था, उस समय में हमारे सामने बहुत चैलेंज था, असम नगर परिषद अलग से लड़ रही थी, हमारी मित्र दल असम नगर परिषद का उम्मीदवार अलग था, यहाँ और कुछ ऐसा उम्मीदवार था जिस जो बहुत शक्तिशाली था, इसके बावजूद भी आप लोग मोदी जी के साथ खड़ा हुए, सर्वानंद सोनोवाल जी के साथ खड़ा हुए, डॉक्टर किरण विश्व शर्मा के साथ खड़ा हुए, और इन दोनों उम्मीदवार को आपने जीता के दीपू भेजने का जो निर्णय लिया, इसीलिए मैं फिर से आप लोगों को एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा हिंदुस्तान पूरे विश्व में एक नंबर में आने के लिए, हमारा हिंदुस्तान पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में आज प्रकाशित हुआ है। कुछ दिन पहले फोटो निकाला था, उस फोटो में हमने देखा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे आगे है, उनके पीछे कई राष्ट्रों का नेता, जो बाइडन से लेके जापान की प्रधानमंत्री, ऐसे बहुत राष्ट्र नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे थे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, समर्पित कार्यकर्ता हो, इसीलिए मेरा हृदय गर्व से फूल रहा था उस समय जब मेरे राष्ट्र की नेता नरेंद्र मोदी जी को हमने सबसे आगे में देखा था, तभी हमको ये एहसास हुआ। आज आप लोग जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे रहा है, पूरे विश्व में जनता ने आज भारत को, यानी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विश्व की नेता के रूप में स्वीकार कर लिया है। यही हमारे लिए सबसे गर्व की बात है, यही हमारे लिए सबसे अनुभव की बात है, यही हमारे लिए, भारत के लिए आज दुनिया में सबसे बड़ा हमारा अचीवमेंट है। आज में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, इसीलिए हमारी देश आज आगे बढ़ रही है। आप में सुनो या ना सुनो, आप में जाओ या ना जाओ, मेरा देश आगे बढ़ गई है, मेरा देश आगे बढ़ गई है कई क्षेत्रों में। आज कोरोना महामारी आया, कोरोना महामारी के समय में हम सोच रहे थे कि हमारी पूरे देश की आबादी का 50% लोग इस महामारी में खत्म हो जाएगा, लेकिन मोदी जी है धैर्य से उसने काम लिया, आज पूरे देश बच गया, कोरोना की महामारी से हम भी बच गए, कोरोना आया हमको 2 डोज वैक्सीन मिला, मोदी जी ने हर घर में 5 किलो 5 किलो अनाज देने का काम किया, राज्य सरकार को उसने मदद दी, हमारे जितना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, अस्पताल
के पूरे अस्पताल उसने दवाई से भरपूर कर दिया, यानी हमारे देश का, देश की जनता का रक्षा हो, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा हो, आज हम खुश है। इस साल हम कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए सक्षम है क्योंकि हमने डबल डोज वैक्सीन हमको मोदी जी ने दिया है। भाई और बहनों, आज से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश को निर्माण करने का काम किया है, घर घर में आज रसोई गैस पहुंचाने का काम किया है, किसानों को न्यूनतम समर्थित मूल्य देने का काम किया है, हर घर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो आज हमारे किसानों को, हमारे किसान भाइयों को 2000 रुपया देने का काम किया है, बुढ़ापे का पेंशन हो, हमारे विधवाओं के लिए पेंशन हो, दिव्यांगों के लिए पेंशन हो, छात्र छात्रियों के लिए जो स्कॉलरशिप हो, ये देने का काम जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रहा है, इसीलिए हम ये आशा करते हैं इस 8 साल के अंदर मोदी जी की नेतृत्व में हमारे देश जैसे आगे बढ़ गया है और आने वाले समय में भी 2024 में ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर भारी बहुमत के साथ देश की प्रधानमंत्री बनेगा, ये हमारी उम्मीद है, ये आपकी आशीर्वाद है। हम आशा व्यक्त करते हैं कि आज पूरे विश्व गुरु के रूप में भारत को ले जाने के लिए मोदी जी ने जो कदम उठाया है, हम उनके साथ है, पूरे असम उनके साथ है, कार्बी अंगलोंग, हम कार्बी अंगलोंग की जनता भी माननीय मोदी जी के साथ में है। हमारा विश्वास है हावड़ा घाट में मोदी जी के आने के दिन में आप लोग जितने भारी मात्रा पर वहां उपस्थित हुए, वो दृश्य देखकर हमारे भी गर्व हुआ था। उस दिन में हावड़ा घाट में नहीं था, मेरे घर के 2 किलोमीटर बगल में डिब्रूगढ़ में भी ऐसा कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन डिब्रूगढ़ से आप लोगों के यहाँ जनता की उपस्थिति बहुत ज्यादा था, तभी हमको पता चला कि इस बार कार्बी अंगलोंग भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ कार्बी अंगलोंग है। आज जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के काम में जुड़े हुए हैं, असम के वरिष्ठ नेता हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने भी आज ये विश्व गुरु भारत के अंदर हमारी असम को भी एक नंबर राज्य के रूप में ले जाने के लिए कोशिश जारी रखा है। भाई और बहनों, मैं जमा नहीं बोलना चाहता, सिर्फ मैं 2 मिनट बोलूंगा। आज माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में हमारी असम आज आगे बढ़ रहा है। पूरे असम के अंदर 30,000 किलोमीटर सड़के आज पक्का करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने किया है। 18,000 पुल आज पक्का किया गया है। आज हमारे असम में 12 मेडिकल कॉलेज, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज, 5 वुमेन कॉलेज, 12 रेसिडेंशियल स्कूल, मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, 12 विश्वविद्यालय, आज 300 मॉडल हॉस्पिटल, 450 आज प्राइमरी हेल्थ सेंटर असम में बनाया गया है, यानी कि हम पूरे हिंदुस्तान में असम को हम आगे बढ़ा के ले जा सके। पिछले 5 साल में कोरिराम रंगहम जी ने भी कार्बी अंगलोंग को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। हमारा सांसद, हमारा बड़ा भाई हरेन्द्र सिंह बेजी, आज कोरिराम रंगहम जी सब ने मिलकर आज हमारा कार्बी अंगलोंग को आगे बढ़ाने के काम किया। कार्बी अंगलोंग को आगे बढ़ाने के लिए दीपू को आज पूरे असम के अंदर एक सुंदर राज्य के रूप में, एक सुंदर एक शहर के रूप में स्थापना करने का काम कोरिराम रंगहम जी के नेतृत्व में हुआ, दीपू का निर्माण हो गया। ये 5 साल अब हमलैंड को बनाना है, वेस्ट कार्बी अंगलोंग को बनाना है, कपिली को बनाना है, आमलैंड को बनाना है, इसीलिए हम ये आशा व्यक्त करते हैं फिर से कोरिराम रंगहम जी के नेतृत्व में कार्बी अंगलोंग में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा। पवन कुमार जी, निरंजन पे जी यहाँ से भारी बहुमत से जीत के वो लोग आएगा और हम ये आशा व्यक्त करते हैं कि आप मतदान के दिन आप लोग सुबह मतदान केंद्र में आइए। मतदान केंद्र में मेरा बड़ा भाई बोल चुका है, हमारे भोजन बाद में होगा, मतदान पहले होगा, चुनाव का दिन हमें याद रखना है। और हम आशा व्यक्त करते हैं कि हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी का आने का समय हो गया है और बहुत वक्त है, इसीलिए मैं ये शब्द के साथ मेरा वाणी विराम देना चाहता हूँ और मैं आशा व्यक्त करता हूँ कि आज आप लोग जिस बात भारी मात्रा से यहाँ पधारे हुए हैं, आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी को शक्तिशाली बनाने का काम आप लोग करेंगे।